नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नागरिकता संशोधन बिल के पास हो जाने के बाद पूरे देश में जगह जगह इसका विरोध देखने को मिल रहा है। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल उत्पाती तत्वों ने कश्मीर की तर्ज पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी है, और तो और इस प्रदर्शन ने उग्र रूप भी अख्तियार कर लिया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांति से विरोध जताने की अपील भी की, लेकिन मामला संभला नहीं। प्रदर्शनकारी उग्र होते गए और पुलिस से हाथापाई और झड़प भी करने लगे। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए हजारों प्रदर्शनकारियों ने बेलडांगा स्टेशन में आग लगा दी और वहां तैनात आरपीएफ कर्मियों के साथ मारपीट भी की। वरिष्ठ आरपीएफ अधिकारी का कहना है कि प्रदर्शनकारी अचानक रेलवे स्टेशन के परिसर में आग घुसे और उन्होंने प्लेटफॉर्म 2-3 मंजिले भवनों और रेलवे कार्यालयों में आग लगा दी। जब आरपीएफ कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया। मुर्शिदाबाद की बात करें तो ये बांग्लादेश से सटा हुआ एक जिला है, इस वजह से यहाँ पर प्रदर्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए फिलहाल रेलवे यात्राओं को बंद कर दिया गया है। तो वहीं ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर कहा है कि जब घर में ही आग लगी हो तो किसी को धर्म नहीं देखना चाहिए। बता दें कि सीएबी के लागू हो जाने के बाद से देश के कई हिस्सों में भयंकर विरोध किया जा रहा है, जिनमें अधिकतर पूर्वोत्तर के राज्य शामिल हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में भी सीएबी के लिए विरोध किया गया, जिसमें एएमयू और जामिया के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, छात्र संगठनों ने जामिया से जंतर मंतर तक मार्च निकालने की भी तैयारी की, जिसमें माहौल बिगड़ने का अंदेशा होने पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इससे छात्र उग्र हो गए और बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल भी हो गए। फिलहाल पुलिस ने 42 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था, जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।